वेलकम टू आवर चैनल डिंग डोंग गर्ल्स। मैं जानवी, मैं पूजा और मैं अवनी। गाइस, तीनों थालियां पंजाबी थालियां हैं एंड तीनों कुड़ियां पंजाबी कुड़ियां हैं। कितनी मेहनत की है ना ये पंजाबी लोग बनाने में। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती मेरे को तो लगती है क्योंकि हमने सिर्फ पटियाला पहना है विद यू नो सुंदर सुंदर चुन्नी एंड थोड़ा सा हेवी सा मेकअप विद हमारी लंबे लंबे बालों की यू नो प्लेट्स छोटी। तो हमने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा ट्रेडिशनल पहनने में मेहनत लगती है। अपनी झुमका मेंशन। ओ सॉरी सॉरी गाइस, झुमके मैं कैसे बोलूं, मेरी झुमकियां छोटी सी है गाइस, मेरा देखिए। तो गाइस, आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम कैसे लग रहे हैं एंड हम पंजाबी लग रहे हैं, मतलब हमारी जो मेहनत हुई है वो सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, या हम बेसिक से ट्रेडिशनल लग रहे हैं, तो यह हमें ज़रूर बताइएगा। तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारी थालियों में जो मेन सब्जियाँ इंग्रेडिएंट है, बाकी तो रायता, हमारी नान, चावल और सैलड सेम है, लेकिन जो सब्जियाँ हैं मेरी है बटर पनीर। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है, और दाल मखनी, ये तो कैसे ही भूल सकते हैं पंजाबी थाली में। और गाइस, मेरी थाली में इंक्लूड है कढ़ी पकौड़ा, आप देख सकते हो, मतलब हमने थोड़ा सा टेस्ट किया था तो काफी तीखी है ना गर्ल, इन्होंने भी किया था मतलब एकदम स्पाइसी है, मजा आ गया सही में टेस्ट करने में। और गाइस, ये है मेरा मिक्स वेज, और ये जो अवनी और पूजा से डिफरेंट है वो है लच्छा पराठा, क्योंकि मेरे को नान खाने का मन नहीं था तो मैंने लच्छा पराठा लिया है। और गाइस, मेरी थाली में है ये मिक्स वेज, और मैंने इन दोनों से अलग सब्जी ली है शाही पनीर। आप देख सकते हैं पनीर कितना बड़े बड़े टुकड़े हैं इसमें, एंड रायता, एंड ये मेरा बटर नान। जैसा कि गाइस आपको पता है कि पहले हम करते हैं ये टेस्टी सा डिलीशियस सा चैलेंज, उसके बाद करते हैं हम पनिशमेंट। वो पनिशमेंट हम तीनों में से किसको मिलेगी ये देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो पूजा जानवी, आज मैं तुम दोनों को एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगी जिससे तुम्हारी स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट इतनी ईजी हो जाएगी। उस एप्लीकेशन का नाम है कागज। मेरे को खुद मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, मैंने यूज करा, इट वॉज सो स्मूथ एंड वेरी हेल्पफुल। तो गाइस, इस एप्लीकेशन के थ्रू तुम लोग अपनी फोटो आईडी, आधार कार्ड या कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को बहुत ही आसानी से स्कैन कर सकते हो, स्कैन करके अपने हिसाब से उसको क्रॉप कर सकते हो, उसमें फिल्टर ऐड कर सकते हो, और फिर उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को तुम बहुत इजीली पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद उस पीडीएफ फाइल को बहुत इजीली शेयर भी कर सकते हो। ये तो बहुत ही अमेजिंग है। इस एप्लीकेशन का नाम इसके काम को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है, कागज और ऐसे ही स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट्स। और इसका नाम भी अपना है और देश भी अपना है, क्योंकि ये मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है। एंड इसके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फीचर्स मैं तुमको बताती हूँ कि इसमें कोई साइन इन नहीं लगता, इसमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं आता, कि कभी कभी कुछ एप्लीकेशंस में एडवर्टाइजमेंट बीच बीच में तुम्हारे काम को रोकते हैं ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। एंड सबसे बढ़िया बात, इसमें जब स्कैन करते डॉक्यूमेंट को तो इसमें इस एप्लीकेशन का कोई वाटरमार्क भी नहीं आता। दैट्स सो नाइस यार, एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री टू यूज। सो गाइस, जैसे कि इस पेज पे मैंने फूड की रेसिपीज लिखी हुई हैं अपनी, एंड जो कि मैं ट्राई करती रहती हूँ, तो मैंने लिख लिया, लेकिन जैसे कि मेरे को तुमको शेयर करना है तो उसको मैं तुम्हें लिख के तो शेयर करूँगी नहीं, क्योंकि दैट वुड बी मोर डिफिकल्ट। तो अब मैं इसको स्कैन करके फिर तुम लोगों को सेंड करूँगी। तो ऐसे मैं इसकी फ़ोटो ऐसे क्लिक कर लूँगी, तो अब मैंने इसकी फ़ोटो ले ली है, एंड अब मैं इसका साइज़ आपको डिसाइड कर, मतलब इसमें ऑप्शन देते हैं कि साइज़ तुमको क्या रखना है, और फिर उसके बाद कितनी क्रॉप करनी है फ़ोटो, वो भी तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अब ये मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली है, एंड अब तुम अपने हिसाब से इसमें साइज़ भी देख सकते हो कि तुमको किस साइज़ का रखना है, और फोटो को कितना क्रॉप करना है ये भी तुमको ऑप्शन देता है कि कितना क्रॉप कर सकते हो। अब ये बढ़िया से हो चुका है, और फिर उसके बाद अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे मेरे को कितने सारे फ़िल्टर के ऑप्शंस दिख रहे हैं, अब मैं इसमें से कोई सा भी फ़िल्टर सेलेक्ट कर सकती हूँ। अब मैंने ये वाला करा है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ जा रही है फ़ोटो की, तो इसलिए मैं ये कर रही हूँ। और यहाँ पे फ़िल्टर के अलावा बहुत सारे टूल्स भी हैं जिसके हिसाब से तुम अपनी पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हो। अब मैंने ये एडजस्ट कर लिया है, एंड मैं यहाँ पे इसको डन कर देती हूँ, और ये मेरा डॉक्यूमेंट हो जाएगा रेडी। तो अब मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे रेडी हो गया, एंड यहाँ पे इंस्टेंट आप ऊपर देखो ऑप्शन दिख रहा है पीडीएफ, बहुत ही इंस्टेंट पीडीएफ बना लिया मैंने, एंड इस पीडीएफ को मैं शेयर भी कर सकती हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है शेयर करने का। एंड ये जो पीडीएफ तुमने बनाया है इसको अपने फोन में भी डाउनलोड कर सकते हो, एंड ये सारे इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, मतलब जिसको भी जो भी लैंग्वेज आती है वो उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है। तो बेसिकली इस एप्लीकेशन के बहुत ही बढ़िया फीचर्स हैं, बहुत ही हेल्पफुल है,
एंड मैंने सारे लिंक इस एप्लीकेशन से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप उन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को समझ सकते हो, यूज कर सकते हो एंड डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस शुरू करें? यस। ओके, 3, 2, 1 गो। पंजाबी थाली ईटिंग चैलेंज मैं सबनी जीत गई है गाइस। वैसे भी मेरे को बहुत सारे लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि मैं थोड़ी सी पंजाबी लगती हूँ। अभी तो मैं तैयार हुई हूँ, वो मुझे नहीं पता कि मैं अभी लग रही हूँ या नहीं लग रही, लेकिन वैसे यू नो पर्सनालिटी वाइज एंड फिर बाल लंबे एंड फिर कढ़ा पहनना यू नो, तो बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे बोलते हैं कि क्या आप पंजाबी हो, और फिर मेरा सरनेम भी सोनी है तो सोनी से थोड़ा सा लगता है ना पंजाबी वर्ड है, तो इस वजह से तो मतलब कहने का मतलब ये जो हमारी कुड़ी है वो पंजाबी वाइब्स दे रही है। यस, पंजाबी वाइब्स एंड बिल्कुल पंजाबियों की तरह खाया है मैंने। गाइस इसका सरनेम सोनी है लेकिन आज सोनी कुड़ी जीत चुकी है। मैं कह रही हूँ बिल्कुल पंजाबियों की तरह खाया, बड़े बड़े पीस पनीर के एक बारी नान में यू नो, एक बारी में नान में भैया उसके लिए मुंह सूखा होना। ओके, मतलब बिल्कुल पंजाबियों की तरह खाया है मैंने एक बारी नान में एकदम। जैसे मेरे को खौफ था ना गाइस कि मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ मैं पनिशमेंट कैसे करूंगी, तो अब वो तुम करोगी, अब मेरे को देखने में ज्यादा मजा आएगा। तो गाइस अब हम जल्दी से चलते हैं पनिशमेंट की तरफ क्योंकि आई एम वेरी चलो। तो गाइस अब हम आते हैं पनिशमेंट पे, और इन दोनों ब्यूटीफुल कुड़ियों की पनिशमेंट जो मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ही अद्भुत, सबको चौंकाने वाली, एकदम यू नो सीरियल किलर होती है ना वैसी पनिशमेंट लेकर आई हूँ। तो गर्ल्स रेडी? नहीं, वी आर नॉट रेडी। ओके, यू आर, थैंक्स। तो अब मैं बताती हूँ कि पनिशमेंट है क्या। आप देख सकते हैं हमारा कितना सुंदर सा टेरेस है, क्या करना है ये साफ सुथरी छत को और साफ सुथरा करना है, पर कैसे गाइस? ओहो, कैसे करना है ये तो सुनो, ये तो तुम्हारी बाल है ना गाइस, साथ में करो 3, 2, 1 गो। यस, ऐसे तो इन्हीं बालों को पकड़ के तुम्हें ऐसे होना है, ऐसे झुकना है और लगानी है झाड़ू। मेरे प्यारे बाल बंद हो जाएंगे। चलो गाइस कंट्रोल, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू, आई हैव अ सॉल्यूशन। ये देखो पीछे आओ, ये जो तुम दोनों को जगह दिख रही है एक कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा। तो गाइस पूजा ने अपनी चोटी की डायरेक्शन के हिसाब से अपनी पोजीशन ले ली है, जानवी ने अपनी ले ली है, दोनों अपनी अपनी जगह चले गए। गाइस पंजाबी घोड़ी तो खैर छोड़ो, अभी तो गंगूबाई बना दिया है हमने। सबस प्यारे प्यारे बाल। चार बहुत सही जा रही हो, जा रहा है थोड़ा कि नहीं, सारा नहीं आया, थोड़े जोर लगाओ ये, और कितना जोर लगाओ, थोड़ा नीचे बैठ जाओ यार, अच्छे से पैर टिका लो, मार के बैठ जाओ। हाँ, अरे दया, ये बाबा भैया भूत चढ़ गया है इसको, आत्मा आत्मा की।
मुंह ढक लो चुन्नी दिया भगवान ने, पहनी है तुमने। ओ मम्मी मेरे बाल क्या कर दिया तुमने, उतने से ही खराब हो रहे, उनको धो लेना आराम से, टाइम नहीं है। शाबाश। बस पूजा बस, मुझे तरस आ गया तुम पर, तुम्हारी झाड़ू पे। अच्छा तुम भी आलती पालती मार के बैठ जाओ जानवी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थोड़ी बड़ी जगह कवर करो जानवी, इतनी सी जगह में क्या झाड़ू लगा रही हो। तो आने दे कांता भाई, ज्यादा लिचड़ लिचड़ मत करो तुम। अबे इसको भी करना है क्या? गाइस जानवी की झाड़ू कितनी सी और कचरा कितना सारा है। मुझे पता नहीं क्यों मजा आ रहा है। इतना मजा आ रहा है, बैठ ही गई। सही जा रही हो कांता भाई, झाड़ू गिनती हो जा रही है कांता भाई, फ्यूचर ब्राइट है तुम्हारा। बस चलो बस, खुश रहो तुम। गाइस ये देखो, ये है जानवी का एरिया और वो हमारी पूजा का एरिया, आप देख सकते हो। तो अब आप जरूर हमें बताना है कि कांता भाई ज्यादा बेटर काम करती है या हमारी गंगू भाई, ओके? किसकी झाड़ू अच्छी है? मुझे तो बहुत मजा आया इनसे ये पनिशमेंट कराने में, तुम लोगों को कैसा लगा? हमको मजा नहीं आया करने में। गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मजा आया, मतलब ऐसे बैठ के करने में इसे पक्का जॉब चाहिए। नहीं मुझे ना मतलब न्यू एक्सपीरियंस करने में मजा आता है, तो ये भी एक नया ही था, यू नो। तो गाइस आई होप कि आपको हमारा ये पंजाबी थाली ईटिंग चैलेंज और हम पंजाबी कुड़ियां और फिर उसके बाद इन प्यारी प्यारी कुड़ियों के पनिशमेंट सब कुछ वीडियो में बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ये अपने में भी सी। अगर अच्छा लगा है तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अलग अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय।